हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू उमरा प्राइम। ये है इवल सीरीज का एक लेटेस्ट एपिसोड। सॉरी, मुझे इस एपिसोड का नंबर याद नहीं है, तो ये लेटेस्ट एपिसोड है जो अब तक मैंने रिलीज किए हैं। जो भी लोग इस सीरीज को, इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से जाके इस पूरी सीरीज को देखो। ये सीरीज बहुत ज्यादा शानदार है। सीरीज का नाम है इवॉल्व द इम्पैक्ट ऑन मॉन्स्टर। और जिन्होंने इस सीरीज को पहले भी देखा था और जो लोग इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, वो सभी प्लीज कमेंट में अपना नाम बता के जाना। नाउ, अब बिना किसी देरी के इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, गांव अभी भी उस नदी के किनारे पर ही है, जिस नदी के किनारे गांव अपने सारे मुश्किल के साथ में पिछले एपिसोड में एक फोटो खिंचा रहा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक मैनेजर गांव के पास में आता है और गांव से कहता है, हमारी ट्रिप बहुत शानदार रही है, इस सिटी की तीन फैमिलीज हमारे साथ में एक एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। अब इस सिटी के अंदर भी हम अपनी एक ब्रांच खोल सकते हैं। और साथ ही हाउ फैमिली ने वो स्वैम्प जिसके किनारे पर वो कोकोडाइल रहता था, उस स्वैम्प को भी हमारे हवाले करने का वादा किया है। गांव कहता है, एग्रीमेंट तक तो ठीक है, लेकिन वो स्वैम्प वो हम ऐसे नहीं लेंगे। उस स्वैम्प की जो भी मार्केट प्राइस हो वो उनको पे करना। हमें वो स्वैम्प गिफ्ट में नहीं चाहिए, हम उसे खरीदना चाहते हैं, ये सुनकर वो मैनेजर वहाँ सज जाता है। फिर गांव फ्लेमी से कहता है, फ्लेमी क्या तुम अपनी फैमिली के सारे लोगों से मिलना नहीं चाहती? अब तो तुमने अपना बदला भी ले लिया है, अब तुम उनसे मिल सकती हो। फ्लेमी कहता है, मतलब फ्लेमी कहती है, नहीं अभी मुझे उनसे नहीं मिलना, अभी उनसे मिलने का मतलब होगा वो मुझ पर निर्भर हो जाएंगे, मुझे थोड़े टाइम बाद में मिलूंगी जब वो खुद से बहुत ताकतवर हो चुके होंगे, अभी उन्हें खुद से ही नेचर से सब कुछ सीखना होगा। अंदर के अंदर एक अजीब सा मेंढक दिखाई देने लगता है, थोड़ा पास आने पता पड़ता है वो एक कछुआ है। उस समुद्री कछुए को देखने के बाद में गांव को इंटरफेस होता है, जिसके ऊपर लिखा है, मोस्टर नेम मिस्टिकल डिवाइन टर्टल, मोस्टर लेवल 46, मोस्टर ग्रेड परफेक्ट। तभी वो मोस्टर गांव के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाता है, वो और गांव के पास में आकर अपना मुंह खोलता है, गांव भी उसकी तरह हाथ बढ़ा देता है। तभी गांव देखता है उस मोस्टर के मुंह के अंदर एक छोटी सी बॉल जैसी कुछ है, वो टर्टल अपनी जीभ यूज करके उस बॉल को गांव के हाथ पे डाल देता है। जैसे गांव उस बॉल को देखता है, गांव को फिर से एक इंटरफेस होता है, जिसके ऊपर लिखा है MBGS जाडे। इसका यूज ड्रैगन लैंग्वेज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। गांव जाडे को देख के सोचता है, इस कछुए ने मुझे ये क्यों दिया। गांव ये सोच रहा होता है कि इतने में वो कछुआ वापस से उस समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर गांव उस जाडे को अपने मैनेजर को पढ़ा देता है और उसे कहता है, इसे यूनिवर्सिटी की ड्रैगन को दिखाना, इसे जल्दी से जल्दी उसके पास में ले जाओ, मुझे कहीं जाना है, कैंगपिंग विलेज। अभी एक छोटा सा काम है जो अधूरा है, मैनेजर कहता है ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक विलेज का सीन दिखाते हैं जिसका नाम कैंपिंग विलेज है। इस विलेज के अंदर बहुत सारे मोस्टर्स रहते हैं जो सबके सब घोल टाइप के हैं। इस विलेज में ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो मोस्टर्स कभी कभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर काफ़ी सारी रेयर चीज़ें मिल जाती है, इसलिए लोग उन चीज़ों की खोज में यहाँ पर आते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग इस जगह पर उन चीज़ों की खोज में आए हैं, उन सभी को ये बंदा लीड कर रहा है। ये कहता है, लगता है हम कैंपिंग विलेज की सीमा में पहुंच चुके हैं। ये सुनकर उसकी साथी लड़की कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पता चला है कैंपिंग विलेज के अंदर बहुत सारे घोल मॉन्स्टर्स रहते हैं, हमारे पास में घोल डस्ट है, उसे अपनी बॉडी के ऊपर लगा लो, उसके बाद में वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। ये कहते हुए लड़की अपने बैग के अंदर से एक छोटा सा डब्बा सा कुछ निकालती है और उसे अपने लीडर की तरफ बढ़ा देती है। लीडर उसे लगाने से मना करने लगता है, तभी लड़की कहती है, बच्चों की नाटक मत करो और इसे लगा लो, और ध्यान रखना इसका असर केवल 4 घंटे के लिए रहता है, और इसे अपने साथ साथ में अपने मॉन्स्टर्स के ऊपर भी लगा लेना। ये सुनकर लीडर मान जाता है और सबके सब उस घोस्ट डस्ट को अपनी बॉडी के ऊपर लगाने लगते हैं। उस गोल डस्ट को अपनी पूरी बॉडी पर लगाने के बाद में इस लड़की को वहाँ पर एक रेड कलर की घास दिखाई देती है। ये उसे देख कहती है, मुझे यहाँ पर दिख गई जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे, ये है ब्लड स्वॉर्ड ग्रास, इस एक ग्रास की केवल 10 क्रेडिट्स है, अगर हम यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ढूंढ लें तो हम रमीर हो सकते हैं, और इन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बड़ी आसानी से इस जगह पर मिल जाती है। फिर वो लड़की उस ग्रास को तोड़ने के लिए नीचे बैठ जाती है और बाकी दोनों इधर उधर नजर रखने लगते हैं। लीडर कहता है, ये जगह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं लग रही? पहली लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आसपास में देखो जहाँ पर कितनी सारी रेयर रेयर चीज़ें हैं, केवल तुम सब हमारे गोल पे ध्यान दो, अगर हम इन्हें लेके चले गए तो हम अमीर हो जाएंगे, और पता है खास बात क्या है, इन चीज़ों को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और हमारे अलावा कोई भी नहीं है जो इन्हें इकट्ठा करने के लिए आया हो, ये सारी रेयर चीज़ें हमारी आंखों के सामने है, बस हमें इन्हें लेके जाना है। पहली लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या कारण है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है जबकि यहाँ पर इतनी सारी रेयर चीज़ें हैं। लीडर कहता है, मैंने कहीं से सुना था कि 2 टीमें यहाँ पर आई थी और यहाँ से उन्होंने रेयर चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश की थी। पहली लड़की बोलती है, फिर उनको क्या हुआ? लीडर कहता है, पता नहीं। दूसरी लड़की कहती है, पता नहीं मतलब क्या होता है? लीडर कहता है, मुझे सच में नहीं पता उनके साथ में क्या हुआ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने ठीक से उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की नहीं थी। इसी समय लीडर के पैर के पास से एक अजीब सा हाथ बाहर निकलने लगता है, लीडर से देख के वो डर जाता है। इसी समय लीडर का मॉन्स्टर वहाँ पर जाता है और उस हाथ के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। ये देखकर यह लड़की कहती है, केयरफुल रहो, उस घोल पाउडर की वजह से हम पूरी तरह सिक्योर नहीं है, वो मॉन्स्टर अभी भी हम पर चाहे तो अटैक कर सकते हैं, इसलिए इधर उधर ध्यान देते रहो, कहीं से भी कोई मॉन्स्टर तुम पर अटैक ना करे।
तभी उन्हें वहां पर कुछ डरावनी सी आवाज सुनने लगती है, घर जाओ घर जाओ। इसी समय उनके सामने बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में। उन्हें देखकर लीडर कहता है, ये तो सिपाही है, गोल सोल्जर्स की पूरी सेना है, इनके रहते इस मिशन को ठीक से कंप्लीट करना आसान नहीं होगा। लड़की कहती है, चिंता मत करो, हमारे ऊपर अभी भी गोल पाउडर का असर है, ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलो इस विलेज सेंटर में चलते हैं, वहां पर हमें काफी सारी अच्छी चीजें मिल सकती है, जहाँ की अधिकतर चीजों को हमने इकट्ठा कर लिया है, अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये सुनकर तीनों के तीनों बंदे उस विलेज सेंटर की तरफ चलने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वहां पर ठंड भी बढ़ती जा रही है। लीडर कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। एक लड़की कहती है, बदलाव के बाद में यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर थे, इसलिए इंसान इस जगह को छोड़कर चले गए। तभी एक लड़की को दूर कहीं पर कुछ लटकते मक्के जैसे कुछ दिखाई देने लगते हैं। ये देखो, लड़की कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पर देखो वहां पर मक्का है, आमतौर पर मक्का इस तरह से उगते नहीं है, उसे वहां पर किसी ने टाका है, यानी कि इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई हो। तभी वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास में एक मॉन्स्टर है। उस आदमी को देखकर तीनों तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, मुझे यहाँ पर जनरल ने भेजा है, जनरल आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की कहती है, कौन जनरल, तुम किस जनरल की बात कर रहे हो? वो आदमी कहता है, जनरल हाउ, मुझे यहाँ पर जनरल हाउ ने भेजा है। ये सुनकर लड़की कहती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ, जनरल हाउ, ये नाम मेरा सुना हुआ है। वो आदमी, मेरा मतलब वो जनरल कैकबैंक सिटी के अंदर ही रहता था। ये सुनकर लीडर कहता है, चलो ठीक है फिर चलते हैं, इनके पीछे चलते हैं, तुम इन्हें जानती हो, तुम इनके जनरल को जानती हो, यानी कि हम इनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, चलो इनके पीछे चलें। फिर वो तीनों के तीनों उस आदमी के पीछे भी चलने लगते हैं। वो आदमी उन्हें एक घर के पास में लेके आता है जिसके बाहर दो घोर सोल्जर खड़े होते हैं। वो आदमी वहाँ पर पहुँच के उन तीनों से कहता है, लो हम पहुँच गए, वो यहीं पर है। तभी सोल्जर उन तीनों के लिए गेट खोलते हैं। वो तीनों तीनों उस घर के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे गोल सोल्जर्स हैं और एक कुर्सी है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। लड़की कहती है, मेरा नाम लिन सियांग है, जनरल हाउ आप कैसे हैं? ये सुनकर वो कुर्सी पर बैठा हुआ अजीब सा आदमी जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, जनरल हाउ, तुम्हें लगता है मैं जनरल हाउ, इसको मैं एक इंसल्ट की तरह लूंगा। ये सुनकर उस सारे सारे सोल्जर अपने हथियार आगे की तरफ करके उन तीनों पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। लिन सियांग कहती है, प्लीज रुक जाइए, आप अपने सोल्जर्स को रोक लीजिए, हम किसी भी तरह से आपकी इंसल्ट करना नहीं चाहते थे। तभी वो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी उन तीनों के उन मॉन्स्टर को देख कहता है, तुम यहाँ पर आए हुए सबसे ताकतवर ग्रुप में से एक हो, पिछले कई महीनों से कई सारे ग्रुप्स ने यहाँ पर आया, लेकिन तुम्हारे मॉन्स्टर उन समय से भी ताकतवर है, और मुझे ये भी पता है तुम यहाँ पर यहाँ की स्पेशल और रेयर चीज़ों के लिए आए हो। मैं तुम तीनों को माफ़ कर सकता हूँ और तुम्हें उन्हें ले जाने के लिए भी अनुमति देता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें उन चीज़ों की कीमत की चीज़ मुझे देनी होगी। ये सुनकर लिन सियांग कहती है, मुझे नहीं लगता इनको पैसे चाहिए होंगे, लिंक फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये सोचकर लिन सियांग उस आदमी से कहती है, हम साउदर्न स्काई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, हम जरूर से आपके नीड को फुलफिल कर पाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपको चाहिए वो हम आपको दे सकें। कुर्सी पर बैठा आदमी कहता है, मैं अपनी मांग रखूँ, इससे पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं अपनी चीज़ मांगूंगा। लिन कहती है, हमें केवल दो चीज़ चाहिए, यहाँ के जनरल की हड्डी और हार्ट ऑफ डार्कनेस। जिसको वो आदमी कहता है, तुम्हें एक हड्डी चाहिए, एक जनरल की हड्डी यानी कि मेरी एक बोन, ठीक है तुम्हें मिल जाएगी लेकिन केवल एक ही दूंगा। और तुमने दूसरी चीज़ क्या मांगी, हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसे तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये क्या होता है? लिन थोड़ा सा आक्रामक होते हुए कहती है, हार्ट ऑफ डार्कनेस इसका मतलब है तुम्हारा हार्ट। ये कहते हुए लिन अपने मॉन्स्टर से कुछ इशारा करती है। उसके साथ करते ही लिन का मॉन्स्टर उस आदमी के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। ये अटैक बढ़ते ही वो आदमी अपनी कुर्सी से उछल कर एक दीवार टकरा जाता है, लेकिन इस अटैक से उस लड़की के मॉन्स्टर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उस लड़की के मॉन्स्टर ने अपने एक पंजे का यूज करके उस आदमी के ऊपर अटैक किया होता है। उस पंजे के ऊपर एक क्रैक पड़ गया है। ये देखकर लीडर लिन से कहता है, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा, अब तुम्हारा मॉन्स्टर कम से कम एक महीने के लिए अपने इस हाथ को यूज नहीं कर पाएगा। इसी समय वो सारे सारे घोर मॉन्स्टर उन तीनों को घेर लेते हैं। लड़की कहती है, इन घोर मॉन्स्टर्स ने हमें घेर लिया है। ये देखकर लिन कहती है, जल्दी अभी हमें उन पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो पूरी तरह से इकट्ठा हो जाए और अटैक के लिए तैयार हो जाए हमें पहले उन पर अटैक कर देना चाहिए। होली डियर अटैक, उस डियर के अटैक से वहाँ बहुत ज्यादा लाइट लाइट चल जाती है, वो सारे मॉन्स्टर से बहुत चौंक जाते हैं और जो भी मॉन्स्टर उस लाइट के अंदर आते हैं उनकी बॉडी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसलिए वो सारे सारे मॉन्स्टर उस लाइट से थोड़ा दूर उठ जाते हैं। ये देखकर लिन कहती है, लगता है हमारा काम हो रहा है, ये मॉन्स्टर चौंक गए लेकिन ये काफी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तभी वो दूसरी लड़की कहती है, अभी काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, देखने से लग रहा है वो जनरल अभी तक जिंदा है, वो यहाँ की जिन एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसने इस ऑब्जर्वेशन को पूरा कर लिया तो वापस से ठीक हो जाएगा, हमें उसके ऊपर अभी अटैक करना होगा और उसे मारना होगा, उसके बाद में इन सभी सिपाहियों को मारना भी आसान हो जाएगा। कंगारू उसके ऊपर अटैक करो, उसकी लड़की कहता कहते ही उस लड़की का कंगारू जोर से हवा में उछलता है और उस जगह के ऊपर जिस जगह पर जनरल होता है उस पर अपने पैर से एक जोरदार अटैक कर देता है।
इससे पहले कि वो कंगारू उस जनरल के ऊपर नीचे कूद पाता, वहां पर एक उड़ती हुई तलवार आ जाती है और उस कंगारू को हाथों काटते हुए सीधे उस जगह पर चल जाती है जहां पर वो जनरल होता है। हम देखते हैं वो तलवार उस जनरल के हाथ में आ गई है। वो जनरल पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। तभी वो जनरल अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है। उसके साथ करते ही उस तलवार के अंदर से एक अजीब सी डार्क टाइप की एनर्जी बाहर निकलती है और सीधे जाके उस कंगारू को टकराती है। फिर वो जनरल कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई, तुम सबकी सब चोर हो। फिर वो जनरल अपने सारे सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इनके ऊपर अटैक करो, इन सभी को खत्म कर दो। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लीडर कहता है, जल्दी यहाँ से निकलो। इस जनरल के अटैक कारण यहाँ पे ब्लड क्लाउड बनना शुरू हो गए हैं। अगर इन ब्लड क्लाउड के अंदर निकल के मरना नहीं चाहते तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर वो तीनों के तीनों वहां से भागने लगते हैं। वो सारे सारे सोल्जर उनका पीछा करते हैं। लीडर कहता है, मेरे मॉन्स्टर हेयरबॉल अपनी स्किल का यूज करो, ब्लैक स्मोक स्किल का, जिसकी वजह से ये सारे मॉन्स्टर हमारा पीछा नहीं करेंगे। लीडर के इतना कहते ही उस लीडर की एक मॉन्स्टर होती है जो दिखने में खैरबुल जैसी होती है। वो अपनी स्किल यूज करती है। वो अपने मुंह से एक अजीब सा ब्लैक कलर का पाउडर बाहर निकालती है जिसको कोई भी सोल्जर पार नहीं कर पाता है। इसी समय वो तीनों के तीनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं उनके पास में एक बड़ा सा उड़ने वाला मॉन्स्टर भी है। वो तीनों के तीनों उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उड़ते हुए वहां से भागने लगते हैं। इसी समय वहां के हालात फिर से बदलने लगते हैं। वहां पे अजीब सी बिजली चमकने लगती है जिनसे वो ब्लड क्लाउड धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ये देखकर उस पंछी की ओर बैठी हुई लड़कियां कहती है, आसमान फिर से बदल रहा है, यहाँ पे अजीब सी बिजली छा रही है जिसकी वजह से ये आसमान सही हो रहा है। इसी समय उन तीनों की नजर एक ड्रैगन के ऊपर पड़ती है। ये व्हाइट ड्रैगन जो कि गांव के ग्रैंडपा का है। इसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। वो कहते हैं, चेयरमैन यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम बच जाएंगे, अब हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो ड्रैगन एक स्पेशल ड्रैगन अटैक यूज करने लगता है जिससे वहाँ पे टोर्नेडो बन जाता है और सीधे उस जनरल की तरफ जाने लगता है। जनरल उस टोर्नेडो को देख के कहता है, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं एक ही स्ट्राइक में इस पूरे टोर्नेडो को नष्ट कर दूंगा। ये कहते हुए जनरल अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। उसके साथ करते ही उस तलवार के अंदर से एक स्प्राइक वेव बाहर निकलती है और सीधे जाके उस टोर्नेडो को टकराती है। लेकिन इससे उस टोर्नेडो में कुछ भी नहीं होता। उस टोर्नेडो को जो करना होता है वो कर जाता है। वो टोर्नेडो सीधे उस जनरल की तरफ बढ़ता है और उसे हवा में पकड़कर उछाल के दूर फेंक देता है। फिर गांव के ग्रैंडपा उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतरते हैं और फिर उस जनरल से कहते हैं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम हाउ है या कुछ और, लेकिन तुमने हमारे रास्ते में आके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जनरल कहता है, तुम हो कौन। इसी समय गांव के ग्रैंडपा का वो व्हाइट ड्रैगन उस जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। गांव के ग्रैंडपा कहता है, नहीं रुक जाओ, आराम से, हमें इसे मारना नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। गांव के ग्रैंडपा उस जनरल को उठाकर अपने साथ में ले आते हैं और सीधे गांव के सामने पटक देते हैं। फिर वो गांव से कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें इस जनरल क्या करना है और इस जनरल के हार्ट ऑफ डार्कनेस से तुम करोगे क्या, लेकिन तुमने इसे मंगाया था तो मैं इसे लेके आ गया हूँ, अब तुम देख लो इसे कैसे क्या करना है। अपने ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद गांव सोचने लगता है, अभी भी मुझे वैसे काफी सारी चीजें चाहिए, लेकिन उन सब के लिए अपनी जानों खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी। ये सब कुछ मैं डम्बी को और भी ताकतवर करने के लिए कर रहा हूँ। डम्बी इसके बाद में लेजेंडरी ग्रेड में प्रमोट हो जाएगा। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक लिफ्ट का सीन दिखाते हैं। गांव वहाँ पर एक ऑफिसर हाथ में आया है। उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा है। ऑफिसर गांव से कहता है, ये लिफ्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, इस लिफ्ट के अंदर जो कोई भी जा रहा है वो मर जा रहा है। ये कोई नॉर्मल लिफ्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा हॉल है। इसके अंदर हमें पता चला है बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी भी देखा नहीं गया। इसका मतलब हमने निकाला है कि यहाँ पर एक लिफ्ट ओपन हो गई है जिसकी वजह से दूसरे वर्ल्ड के मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे हैं। हमने इन मॉन्स्टर्स को ब्लैक फ्रॉग नाम दिया है, जिनके ऊपर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं कर रहे, उनसे फाइट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। गांव तुरंत गोल्डी को वहां बुला लेता है और फिर गोल्डी से कहता है, गोल्डी अंदर काफी सावधान रहना, हो सकता है अंदर कोई लो टियर का मॉन्स्टर हो, अगर तुम्हें वो मिले तो उसे तुरंत खत्म कर देना, अब अंदर जाओ। ये सुनते ही गोल्डी उस लिफ्ट के अंदर चल जाता है। ऑफिसर चलाई गोल्डी से कहता है, अंदर सावधान रहना, कोई भी मॉन्स्टर तुम पर कहीं से भी अटैक कर सकता है, तुम्हें वो दिखाई नहीं देंगे। गांव कहता है, गोल्डी की चिंता मत करो, उसे सब कुछ पता है, अंदर का कोई भी मॉन्स्टर उसे टिक नहीं सकता। और फिर ऐसा होता भी है, गोल्डी उस पूरी लिफ्ट के अंदर घूमने लगता है। वहां पे एक बहुत बड़ा होल है और उस होल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। गोल्डी घूम घूम के उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। उन सभी को मारने के बाद में गोल्डी बाहर आता है और फिर गांव से कहता है, गांव मैंने उन सभी को बड़े प्रेम से खत्म कर दिया है, अंदर ये केवल चार पैर वाली अजीब सी मछलियां थी, क्या हम इन्हें बेच सकते हैं। तभी हम देखते हैं जब तक गोल्डी अंदर के सारे मॉन्स्टर्स खत्म करके आता है, बाहर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये सारे अच्छे मॉन्स्टर्स है जो कि ऑफिसर्स ने बैकअप के रूप में मंगाए हैं। गांव सभी ऑफिसर से कहता है, आप में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, पहले हम अंदर जा रहे हैं, हम पहले अंदर जाके सिचुएशन को ठीक करेंगे, उसके बाद में आपको अंदर बुलाएंगे और अगर जरूरत होगी तो हम खुद ही खत्म कर देंगे पूरा काम। ये अगर गांव और उसके सारे मॉन्स्टर्स अंदर जाते हैं, अब क्योंकि गोल्डी ने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, अंदर गांव को एक मॉन्स्टर देखने को मिलता। गांव सीधे चलते चलते उस लिफ्ट के एंड तक पहुंच जाता है जहां पर एक अजीब सी दरार है। उस दरार को देखने पर गांव को एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर लिखा है नेम स्पिरिचुअल रिफ्ट।
इस रिफ्ट की मदद से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल किया जा सकता है। गाउस रिफ्ट को देख कहता है, अगर हम इस रिफ्ट को एक आइटम की तरह माने तो मैं इस रिफ्ट को एक गेट की तरह यूज कर सकता हूँ। मैं इसके एक सिरे को एक जगह पर लगा दूंगा और दूसरे सिरे को दूसरी जगह पर, इससे मेरा ट्रेवल काफी आसान हो जाएगा। इसी समय उस रिफ्ट के अंदर कुछ हलचल से होने लगती है। उस रिफ्ट के अंदर से एक अजीब सा ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर अंदर आ जाता है, या फिर कहा जाए बाहर आ जाता है। गाउस मॉन्स्टर को देखता है लेकिन बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का लेवल केवल 26 है और उस मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट साइकिक है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, गोल्डी तुरंत उसके पास में आता है, उसकी गर्दन उखाड़ के उसके सर में से उखाड़ देता है। फिर गाउ बाकी ऑफिसर्स को अंदर बुलाता है और उन सबसे कहता है, यहाँ पे पूरी जगह फैल जाओ। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे ये केवल एक ही रिफ्ट है, लेकिन अगर आपको कोई और रिफ्ट दिखाई दे तो मुझे बताना। फिर हम देखते हैं वहाँ पर गोल्डी के अलावा डम्बी भी है। गाउ गोल्डी और डम्बी से कहता है, गोल्डी डम्बी मेरे पीछे आओ, हमें इस रिफ्ट के अंदर जाना है। अगर वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं तो हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। जेगर गाउ उस रिफ्ट के अंदर चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इस सीरीज को जिसने नहीं देखा वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर इस सीरीज के सारे एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।